चर्च एट लेवडिसिया. रेवलेशन चैप्टर 3 में हम लोग लेवडिसिया में जो कलीसिया है उसके बारे में देख रहे थे. सो लेवडिसिया वाज अनदर टाउन और अ चर्च. वी सी दैट अबाउट दैट, रीड अबाउट दैट इन द बुक ऑफ कोलोसियंस. तो हम लोग कोलोसियो में ये कलीसिया के बारे में पढ़ते हैं. इट वाज अ सिटी दैट वाज क्लोज टू द सिटी ऑफ चर्च ऑफ कोलोसे. तो ये वो सिटी दैट वाज क्लोज टू कोलोसे. तो ये वो शहर था जो कोलोसे के शहर के नजदीक था. एंड व्हेन द अपोस्टल पॉल रोट द लेटर टू कोलोसियंस ही आल्सो सेड प्लीज रीड इट इनटू द चर्च एट कोलोसे एट लेवडिसिया. और जब प्रेरित पॉलस ने कोलोसिया के कलीसिया को पत्र लिखा तो उसने बोला कि ये पत्र जो है वो लेवडिसिया के कलीसिया में भी पढ़ा जाए. एंड लेवडिसिया वाज अ क्वाइट अ रिच चर्च. और लेवडिसिया जो था बहुत ही अमीर चर्च था, कलीसिया था. दैट इज व्हाई द लॉर्ड हैड टू राइट टू द चर्च इन लेवडिसिया थ्रू द अपोस्टल जॉन. और इसीलिए फिर प्रभु को प्रेरित योहन्ना के जरिए ये कलीसिया की ओर भी एक पत्र लिखना पड़ा. See, when God speaks to us, many times he speaks to us through the word and many times he speaks through the prophets. और कई बार जब परमेश्वर हमसे बातें करता है तो या तो वो उसके वचन के द्वारा हमसे बातें करता है या तो उसके नबियों के द्वारा हमसे बातें करता है. We are at freedom whether to listen or not to listen. और हमारे पास फिर एक उपाय होता है कि या तो हम लोग सुने या ना सुने. In the Old Testament, God always spoke through so many prophets one by one and then, but most of the people of Israel never listened at all to the prophets. पुराने करार में देखते हैं कि कई बार परमेश्वर यहूदियों की और अपने नबियों के जरिए बात करते थे एक एक करके, लेकिन फिर भी उनके जो लोग थे वो नबियों की बात नहीं सुनते थे. Because the prophet spoke to them about their sin. क्योंकि नबी जो थे उनके पाप के बारे में उनको बोलते थे. And they did not like to change their ways at all. और वो जो लोग थे वो लोग तैयार नहीं थे कि वो अपने मार्गों को बदले. And because of that, many of them, many of the prophets they killed. और इसकी वजह से उन्होंने कई सारे नबियों को मार भी डाला. The last prophet to kill was Jesus himself. और अंत में जो आखिर का जो नबी था जिसको उन्होंने मार डाला वो थे प्रभु यीशु स्वयं. Before Jesus, they killed John the Baptist. और प्रभु यीशु के पहले उन्होंने योहन्ना बपतिस्मा देने वाले को मार दिया. All the prophets, Isaiah, Jeremiah, all of them were harassed and they were killed. यशायाह, यरेमयाह, जितने भी जो नबियां थे सभी को लोगों ने परेशान कर करके मार डाला. The apostle John was writing a letter. Jesus told him, please write it down. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ने प्रेरित योहन्ना को कहा कि ये पत्र तुम लिख दो. And he said, verse it says, 1 John chapter 3. प्रभु यीशु कहता है कि जो स्वर्गदूत है लेवडिसिया के कलीसिया का उसकी ओर ये लिख. 14 वर्स ही सेड राइट इट डाउन सो दैट इट कैन बी रेड बाय एवरीबॉडी. और वाक्य 14 में लिखा है कि तू ये लिख दे ताकि दुनिया के में सब लोग ये पढ़ सके. एंड दिस लेटर इज कमिंग फ्रॉम जीसस हिमसेल्फ. और ये जो पत्र है ये स्वयं प्रभु यीशु की ओर से आ रहा है. अपोस्टल पॉल इज नॉट द जॉन इज नॉट राइटिंग द लेटर बट जीसस डिक्टेटिंग द लेटर थ्रू टू द अपोस्टल जॉन एंड ही इज राइटिंग व्हाट जीसस सेड. और यहां पे प्रेरित योहन्ना खुद से ये पत्र नहीं लिख रहा है, प्रभु यीशु उसको हर एक शब्द बोल रहे हैं और वो सुनते सुनते प्रेरित योहन्ना ये पत्र लिख रहा है. And Jesus said, he started that, I am the faithful witness, I am the Amen and the beginning of creation of God. Verse 14. और वाक्य 14 में लिखा है कि और लदोकिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो आमीन, जो विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है. God speaks to us, he speaks us to us with authority. और जब भी परमेश्वर हमारी ओर बात करता है वो अधिकार के साथ बात करता है. And he tells them that, see, I know what you are doing, you are neither hot nor cold. कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म. See, God is not watching what we are speaking and what we are singing and what we are doing outside, but what we are doing in our private life. परमेश्वर ये नहीं देख रहा है कि मैं कैसे गा रहा हूँ, कैसे प्रचार कर रहा हूँ, कैसे बाहर का कार्य कर रहा हूँ. परमेश्वर देखता है कि मैं अपने आपसी जीवन में क्या करता हूँ. We can fool everybody saying that we are good Christians, but God is pleased with us. मैं सभी को उल्लू बना सकता हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा मसीह हूँ, लेकिन क्या परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है. And Jesus said that you are neither hot nor cold, but just lukewarm. लेकिन यहाँ पे प्रभु यीशु कहता है कि ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, तू ये गुनगुना है. Because you're lukewarm, he said, I will spit you out of my mouth. और क्योंकि तू गुनगुना है इसलिए मैं अपने मुंह से तुझे बाहर थूक दूंगा. Just see that God is telling his own children, his own church. They are all believers, but disciples of Jesus. Because I will spit you out of my mouth. और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु ये बातें उनके कलीसिया, उनके खुद के बच्चों की ओर बोल रहा है कि मैं तुम लोगों को अपने मुंह से थूक दूंगा. And that is such an insulting thing. और ये बहुत ही अपमानित बात है. Because why Jesus said that you're neither cold nor cold, neither you are hot. क्योंकि प्रभु यीशु कहता है कि ना तो तू ठंडा है ना तो तू पूरी तरह से गर्म है. What does it mean to be hot? तो गर्म रहने का मतलब क्या है? That you are so enthusiastic for God and to really love the Lord and always thinking about Him and
praising and worshiping him and living in the in holiness. कि मैं प्रभु यीशु की ओर उत्साहित हूँ, हमेशा तैयार रहता हूँ कि मैं उसे प्रेम रखूँ, उसकी ओर कार्य करूँ और उसकी बातों को सुनूँ और उसके लिए जीऊँ. What does it mean to be cold? और ठंडा रहने का मतलब क्या है? I am not interested in God. कि मैं परमेश्वर की नहीं सुनने वाला. I want to have fun in this world. मुझे इस दुनिया के ही मजे लेने हैं. I want to eat, drink, and be happy and to go here and there, seeing places and have a very good time in this world. मुझे खा पी के मजे करना है, उधर उधर घूमना है, इस दुनिया में मुझे एक अच्छा समय बिताना है. God is very boring. परमेश्वर बहुत ही उबाऊ है. Church is boring. कलीसिया बहुत ही उबाऊ है. I want to have a good time in this world. लेकिन मुझे इस दुनिया में एक अच्छा समय बिताना है. Lots of people like that. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं. And that's why the Lord said you should be either hot or you should be cold. और प्रभु यीशु कहता है कि या तो तू ठंडा रहे या तो तू गर्म रहे. You should be a big sinner or you should be a big saint. या तो तू पूरी तरीके से एक पापी बन जाए या तो तू एक पूरी तरीके से एक संत बन. But most believers just compromise that they are a little hot and a little cold. लेकिन ज्यादातर जो विश्वासी है वो लोग समझौता कर लेते हैं और या तो थोड़ा गर्म रहते हैं थोड़ा ठंडा रहते हैं. The meaning of that last time we saw it is hypocrisy. That is just playing, acting that we are a little spiritual, but we're not spiritual. और इसका अर्थ हमने पिछली बार सुना था और वो है ढोंगीपन कि मैं बाहरी रूप से दिखाता हूँ कि मैं आत्मिक हूँ लेकिन अंदरूनी रूप से मैं बहुत ही शारीरिक व्यक्ति हूँ. See, God hates hypocrites. क्योंकि परमेश्वर ढोंगियों से नफरत करता है. We want to show everybody that we are good, but actually we are not. We are just worse than unbelievers. हम लोग सब लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ लेकिन असल में मैं अविश्वासियों से भी खराब हूँ. That's why God Jesus just spoke such bad thing about the Pharisees because they were lukewarm people. और इसलिए प्रभु यीशु भी फरीसियों की ओर इतना बुरी तरीके से उसने उनको डांटा क्योंकि वो लोग इतने ढोंगी थे. He said that's why he spoke such bad things about them, so almost cursed them. और हम लोग देखते हैं कि वो इतने बुरी तरीके से उनसे उनको डांटता है, ऐसा लगता है कि वो श्राप दे रहा है. And that's but he had hope for each one of them. लेकिन फिर भी उनकी ओर भी वो आशा रखता है. And he said because why they were lukewarm. He says because they were rich and have become wealthy and they said we have need of nothing. और वो लोग गुनगुना क्यों थे? क्योंकि वो लोग बहुत ही अमीर थे, बहुत ही धनवान थे और वो लोग को लगता था कि उनकी कोई वस्तु की जरूरत नहीं है. Whenever a believer becomes rich, then they start backsliding. जब कभी भी एक विश्वासी अमीर बनता है वो अपने जीवन में पीछे हटने लगता है, मसीह जीवन में पीछे हटने लगता है. But they have lot of money. उसके पास बहुत पैसा आ जाता है. And then money is one big god in this world. और फिर इस दुनिया में पैसा जो है बहुत ही बड़ा भगवान है. Then you can arrange everything else in this for our lives. फिर हमारे जीवन की सारी जरूरतों का हम लोग बंदोबस्त कर सकते हैं. We are the best doctors. हमारे पास सबसे बेहतरीन डॉक्टर होते हैं. We can have best the decoration in the church. कलीसिया का भी हम लोग सजावट कर सकते हैं अच्छे से. We can have good anniversaries. अच्छे एनिवर्सरीज कर सकते हैं. We can have very good conferences. अच्छे कॉन्फ्रेंसेस का इंतजाम कर सकते हैं. So many outings we can have. बहुत सारे आउटिंग्स लगा सकते हैं. Because we have lots of money. क्योंकि हमारे पास बहुत पैसा है. And then we have got to make a big show of our spirituality. और फिर हम लोग अपने आत्मिकता का एक दिखावा करते हैं. And the Lord says, you say that you have need of nothing. और परमेश्वर कहता है कि तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कोई चीज की घटी नहीं है. Or rich means we have to be very rich in lot of knowledge. और या तो ये भी हो सकता है कि अमीरता ज्ञान में. Now you want to have a lot of spiritual knowledge, you can go to the internet. और अगर तुम्हें अभी आत्मिक ज्ञान चाहिए तो इंटरनेट है उसके लिए. You can find out every detail about everything. तुम लोग हर एक चीज के बारे में हर एक डिटेल पा सकते हो. You can fill our minds with everything. और अपने दिमाग को हर ज्ञान से भर सकते हो. So I don't need to come for the meeting. I can sit and watch. So many good programs are there in YouTube and God TV and all that. I don't have to come for meetings and all these boring meetings. Who wants to come? और फिर मैं कह सकता हूँ कि मुझे कलीसिया में आने की जरूरत नहीं, वो पकाओ मीटिंग में मैं क्यों जाऊँ जबकि YouTube में इतने सारे अच्छे प्रचार है, इतने सारे अच्छे संदेश है. What wonderful preachers are there. क्या महान प्रचारक हैं. And they're telling us about a prosperity also that we can be more and more rich. और वो हम लोग उद्धार के संदेश के बारे में भी बोलते हैं ताकि हम लोग और अमीर बने. And they said that you become rich because God has blessed you and God is pleased with you. और फिर वो हमें कहते हैं कि परमेश्वर ने तुम्हें अमीर बनाया है क्योंकि वो तुम्हारी ओर खुश है. And we got such a lot of knowledge, we can preach so well, we can sing so well. और क्योंकि हमारे पास इतना ज्ञान है हम लोग अच्छे से प्रचार कर सकते हैं, अच्छे से गा सकते हैं. Oh, God has really blessed you. और परमेश्वर ने तुम्हें बहुत ही आशीषित किया है. We can say how blessed we are, God has blessed us so much. और ये सब सुन के हम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग कितने आशीषित है, परमेश्वर ने हमें कितना आशीष दिया है. But the Lord says you don't know verse 17. लेकिन यहाँ पे वाक्य 17 में परमेश्वर कहता है कि तुम जानते नहीं. He said five things. You are wretched and miserable. और ये नहीं जानता कि तू अभागा है और तुच्छ है. What does it mean? A wretched means something that is we feel so sorry. This person is such a wretched condition. अभागा का मतलब क्या है कि हम लोग किसी और की ओर देख के सोचे कि ये बहुत ही अभागा व्यक्ति है, इसका हालत बहुत ही खराब है. For example, a person is very poor and he is sick and he's got such a lot of cancer and he's so wretched. So we also feel so pity on him. तो एक ऐसा व्यक्ति सोचो जो गरीब भी है, उसके ऊपर से उसको कैंसर जैसी बीमारी भी है, तो ऐसे हालात में हमको उसके ऊपर दया आती है.
It is something like, you know, and God, but God thought that they were very, very wretched and they were poor. और परमेश्वर ने सोचा कि ये जो लोग थे, ये जो विश्वासी थे, वो लोग बहुत ही अभागिक थे और तुच्छ थे. And not only that, they were blind and they were naked also. और वो लोग कंगाल भी थे और अंधे भी थे और नंगे भी थे. Suppose you see a person who's completely naked. सोचो अगर तुम कोई blind. सोचो अगर तुम कोई व्यक्ति को देखते हो जो पूरी तरीके से अंधा है और नंगा है. And who and then is very poor. और गरीब भी है. And he is very and also has got a lot of sicknesses. और उसके ऊपर से वो बहुत ही बीमार भी है. What a state that person has come to. तो हम लोग सोचेंगे कि कैसे हालत हो गई है ये व्यक्ति की. So Jesus said, your state is so bad, such a pitiable state, and you're thinking you're very spiritual and so good. और फिर परमेश्वर तुमसे कहता है कि तुम इतने अभागित हो, इतने तुम्हारा हालत खराब है आत्मिक रीति से, लेकिन फिर भी तुम सोच रहे हो कि तुम ठीक हो, तुम बहुत ही महान हो. And the Lord spoke to them because they were born again Christians. और परमेश्वर ने उनसे इसलिए बात की क्योंकि ये नए जन्म में विश्वासी थे. They were very good Christians earlier, but they are completely backslidden because they became very rich. वो लोग शुरुआत में बहुत ही अच्छे विश्वासी थे, लेकिन बाद में बहुत ही बुरी तरीके से पीछे हट गए थे क्योंकि अमीरता उनके जीवन में आ गई थी. So it is quite possible that as believers we can backslide like anything. तो बहुत ही संभव है कि विश्वासी होने के बावजूद भी हम लोग हमारे मसीह जीवन में पूरी तरीके से पीछे हट सकते हैं. You and I, when we backslide, God always corrects us. और जब कभी भी हम लोग पीछे हटते हैं, परमेश्वर आके हमें सुधारता है. And God, Jesus said in verse 18 that I advise you to buy to be gold refined by fire. और वाक्य 18 में परमेश्वर कहता है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले. They had a lot of gold, but real gold. They had lots of gold, but they had not gold refined by fire. उनके पास इस दुनिया का सोना था, लेकिन असली सोना जो आग से ताया हुआ हो, वो उनके पास नहीं था. So that you may be rich. ताकि वो लोग असली में अमीर बने. And what did Jesus say? Think about this gold refined by fire that can be rich. और परमेश्वर प्रभु यीशु ने क्या बोला इस सोने के बारे में जो आग से ताया हुआ है, जो लोगों को असल में अमीर बनाता है? God sends us through difficulties and problems in life that we can cry out to God and ask His holiness, get His wisdom. That is the true riches in as far as God is concerned. तो परमेश्वर हमें अनेक मुश्किलों के द्वारा भेजता है ताकि उनके बीच हम लोग परमेश्वर की ओर पुकारे और सीखे कि कैसे हमें एक पवित्र तरीके से जीना है और प्रभु के निकट जाना है. ये परमेश्वर की नजरों में असली धन संपत्ति है. When we die, we have to leave all our houses behind. जब हम लोग मरेंगे, हमारा सारा घरों को हम लोग पीछे छोड़ देंगे. Most of us are believers, we don't have much gold. ज्यादातर हम लोग विश्वासी है, हो सकता है हमारे पास इतना सोना नहीं है. We have to keep all our computers and laptops, all we have to leave it behind. हमारे सारे उपकरण, कंप्यूटर, लैपटॉप वगैरह सब कुछ पीछे छोड़ के हमें जाना है. All the wonderful clothes and the things that we have, all we have to leave behind. तो हमारे जितने भी अच्छे कपड़े हैं, जितने भी अच्छे वस्तुएं हैं, सभी को हमें पीछे छोड़ के जाना है. And all our educational qualifications also, we say there are no value in heaven. सभी हमारा पढ़ाई लिखाई है, वो सब के भी कोई मूल्य नहीं स्वर्ग में. And they said, but what has value in heaven is the life of God, is the wisdom of God. लेकिन स्वर्ग में किस चीज का मूल्य है? प्रभु यीशु का जीवन, प्रभु यीशु का बुद्धि. When God asked Solomon one day, he came in the night, what do you want me to do for you? तो हम लोग देखते हैं कि पुराने करार में एक रात में परमेश्वर सुलेमान के पास आते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? Suppose God comes to us in the night and asks us, what do you want me to do for you? सोचो अगर आज रात को परमेश्वर तुम्हारे पास आता है और पूछता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? Sometimes we even not even know what to say also. हो सकता है उस समय हमें पता भी ना हो कि हम क्या मांगे. Sometimes we are very earthly minded, we'll say, I want a house, I want a good job, I want a married partner, I want a child, I want so many things. That is the foremost in our heart. हो सकता है कि अगर हम लोग बहुत ही संसारिक हो हमारे सोच में, तो हम लोग बोले कि परमेश्वर मुझे घर दे या नौकरी दे या शादी के लिए कोई व्यक्ति दे या कोई बच्चा दे, ये सारी चीजें हमारे दिमाग में बहुत ही आगे होती है. But Solomon was very wise. He was very humble person. He said, I want wisdom. लेकिन सुलेमान जो था बहुत ही नम्र व्यक्ति था, उसने बोला परमेश्वर तू मुझे बुद्धि दे. And because he asked God, he said that God gave him everything else. और हम लोग देखते हैं कि क्योंकि उसने परमेश्वर से सही चीज की मांग की, तो परमेश्वर ने उसको बाकी सारी चीजें भी दे दी. The fear of God is the beginning of wisdom. क्योंकि परमेश्वर का भय ही बुद्धि का आरंभ है. And whenever we start fearing God, we get the wisdom of God, we get the life of Jesus Christ. और जब कभी भी हम लोग परमेश्वर का भय मानने लगते हैं, तो परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर का जीवन हम प्राप्त करते हैं. And that's how wisdom doesn't come just by reading the internet or reading books or reading the Bible. We're going through the problems and situations of life, we learn to be pure and peaceable and loving. और इसलिए बुद्धि जो है वो ना कि इंटरनेट, ना बुक, ना बाइबल पढ़ने से आती है, लेकिन मुश्किल के द्वारा जब हम लोग गुजरते हैं, तभी हम लोग आनंद, शांति और प्रेम रखना सीखते हैं, जो सच्ची बुद्धि है. God sends us through problem after problem, a problem in our own lives,
And then he will cry out to God, Lord, please help me. Oh God, please show me your ways. I want to be with you. I want to be close to you. And God will give us his wisdom. परमेश्वर हमें एक-एक करके हर एक मुश्किलों के द्वारा भेजते हैं, जिसके द्वारा हम लोग फिर उसकी ओर पुकारते हैं और बोलते हैं कि परमेश्वर तू मुझे सिखा कैसे मुझे चलना है, कैसे पवित्र रहना है, कैसे तेरे अनुसार चलना है, तो परमेश्वर फिर हमें बुद्धि देता है. And Jesus, as we remember the words of Jesus, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? और परमेश्वर के वो शब्द हमें याद करना है कि क्या प्राप्त करेगा वो व्यक्ति जिसने पूरे दुनिया को पा लिया लेकिन अपने प्राण को खो दिया. What's the use of getting the best degree and such a lot of money and so many good things in this world but my soul is lost, I have no fellowship with you? क्या फायदा अगर मैंने सारे ज्ञान प्राप्त कर लिए, सारे धन संपत्ति प्राप्त कर लिए लेकिन अंत में मैंने अपना प्राण को खो दिया? We cry to God as a prodigal son said, Lord, I want to go back to my father's house. हमें उस गुमराह पुत्र के समान पुकारना है कि हे परमेश्वर मुझे फिर से तेरे घर लौटना है. This world is so empty, Lord, it never satisfies me. ये दुनिया जो है खाली है, मुझे कभी संतुष्ट नहीं कर सकता. The vast majority of believers are just running after the things of this world. ज्यादातर जो विश्वासी है वो लोग दुनिया के चीजों के पीछे भाग रहे हैं. We don't listen to the Holy, to the Lord, the Holy Spirit. वो लोग पवित्र आत्मा की बातों को नहीं सुनते. And that the Lord said, go through all the difficult daily situations, daily trials of troubles that are coming in your life and ask God for help and you will become spiritually rich. और फिर परमेश्वर कहता है कि जब तुम अनेक मुश्किलों के द्वारा जाते हो जीवन के, उस समय परमेश्वर की और मदद के लिए पुकारो और परमेश्वर तुम्हारी तुम्हें उत्तर देगा, तुम्हें बुद्धि देगा. And he said, I'll give you white garments that you may clothe yourself. और यहां पे लिखा है और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तू पहन ले. White garments are the righteousness of Jesus. When we ask the forgiveness of the Lord, God clothes us with right robes so that nobody can see our sin. तो जब भी हम लोग प्रभु यीशु को स्वीकार लेते हैं तो प्रभु यीशु हमें उसके सफेद कपड़ों में ढक लेता है ताकि कोई हमारा पाप ना देख पाए. And then it says, eye salve to anoint your eyes. और यहाँ पे लिखा है कि और अपनी आँखों में लगाने के लिए सुरमा ले. That you may really see. ताकि तू असल में देख पाए. What happened to these believers? They were just seeing for very short-sighted. This is important. This is their things that are important in life. तो ये विश्वासियों के साथ क्या हुआ? उनकी जो दृष्टि थी बहुत ही नजदीकी हो गई थी ताकि वो लोग सिर्फ इस दुनिया के चीजों को देख पा रहे थे. God wants us to see things from an eternal perspective. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर एक चीज को एक अनंत काल के समय के दृष्टांत से देखे. For all eternity, both these things important. परमेश्वर पूछता है कि क्या ये सब चीजें हैं, क्या ये अनंत काल के दृष्टांत से जरूरी है? Once their eyes were opened, now their eyes got closed. एक समय पे उनकी जो आंखें थे वो खुली थी, अभी उनकी आंखें बंद हो गई थी. Most people in this world cannot see about spiritual things at all. ज्यादातर जो है इस दुनिया के लोग वो लोग आत्मिक चीजों को देख नहीं पाते ना समझ पाते. When we talk to our relatives and most even nominal Christians, they cannot understand spiritual things. हम जब भी अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं या संसारी विश्वासियों से बात करते हैं तो उनको ये सारी चीजें समझ नहीं आती. It looks as if that something they cannot understand. Nothing is they cannot understand spiritual things at all. वो लोग बिल्कुल भी आत्मिक चीजों का जो ज्ञान है उसको समझ नहीं पाते. Why is that? Because the god of this world has blinded their eyes. क्यों है ऐसा? क्योंकि इस दुनिया के भगवान ने उनके आंखों में धूल झोंक के रखा है. Second Corinthians it says, दूसरा कुरिन्थियों में जाएंगे, दूसरा कुरिन्थियों में जाएंगे, चैप्टर 4, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4, दूसरा कुरिन्थियों चैप्टर 4, वर्स 3 एंड 4, वाक्य 3 और 4. It says, and even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the god of this world has blinded the minds of the unbelieving, they may not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. वाक्य 4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है ताकि मसीह और जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. They know they are going to die but they don't know, I know what is there but what to do I don't know, I'm just living just like that and I have no hope for the future. वो लोग भी जानते हैं कि एक दिन वो लोग मरने वाले हैं लेकिन उनको पता नहीं कि उसके बारे में उन्हें क्या करना है, उनको कोई आशा नहीं है भविष्य के लिए. So we don't know what is the future. So this says, let us eat, drink, and be merry because we are going to die one day. तो वो लोग कहते हैं कि क्योंकि हमको भविष्य या कल के बारे में नहीं पता तो आज हम लोग खाएंगे पिएंगे और मजे करेंगे क्योंकि एक दिन सभी को मरना है. People say, as long as I'm living, I want to be happy, I want to enjoy myself. लोग कहते हैं कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे खुद को खुश रखना है और मजे लेने हैं. I don't know if there is a God and most believers live like that. They don't ask God for anything. They just eat and drink and go here and there, live running after the pleasure of this world. They want to enjoy life like, just like unbelievers. और ज्यादातर विश्वासी भी ऐसे बन सकते हैं जहाँ पे वो लोग बिल्कुल परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते, कभी भी पूछते नहीं कि उन्हें क्या करना है, वो किधर भी जाएंगे कुछ भी करेंगे, दुनिया के मजे लेंगे अपने इच्छा अनुसार. They don't want to ask the will of God in anything. कोई भी मामले में लोग परमेश्वर की इच्छा नहीं पूछते. And because of that, they just behave like carnal believers, and that's what these Laodicean Christians at church had become. और इसीलिए वो लोग संसारी विश्वासियों के जैसे फिर बर्ताव करते हैं और यही हालत लौडिकिया की कलीसिया के लोगों का भी हुआ था. The Lord said, I will fill you, I will put something in your eyes.
eyes that you can see things where you are doing and what is wrong in your own life. और फिर परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे आँखों में कुछ डालूंगा जिससे तुम देख पाओगे कि तुम अपने जीवन में कहाँ पे गलत चले गए हो. When the first sinner comes to the Lord, first he sees all his sin. जब ही शुरुआत में एक पापी प्रभु में आता है तो सबसे पहले वो खुद के पापों को देखता है. And he says, "Oh, I'm such a terrible sinner." फिर वो बोलता है कि मैं कितना महान पापी हूँ. When a believer comes close to God, first time you will see your own sin. Your sin is so great, I don't see other people's faults at all. जब एक परमेश्वर में एक व्यक्ति नया नया आता है, तो शुरुआत में वो सिर्फ अपने ही पापों को देखता है, दूसरों के पापों को नहीं देख पाता. Job was such a good man. आयुब बहुत ही महान व्यक्ति था. And then he said, "See, my friends are terrible." And he said, "Oh, what a lot of problems I'm facing, and unnecessary suffering, such a lot of things." He began to keep on crying and began to say, "My friends also are just accusing me all the time." इसके बावजूद वो अपने दोस्तों में कमियां निकालने लगा, बोलने लगा कि मैं बिना मतलब के इतने दुखों के द्वारा जा रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, ऐसा रोने लगा और ये भी बोलने लगा कि ये लोग तो मुझ पे ही दोष लगा रहे हैं. But God starts speaking to him. He said, "I'll put my hand to my mouth and my face in the dust. I am nothing, Lord." लेकिन जब भी परमेश्वर से बात करने लगता है तो वो बोलता है कि मैंने अभी अपना हाथ अपने मुंह पे रख दिया है, अपने मुंह के बल मैं धूल में चला गया हूँ और अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ नहीं हूँ. So then we will stop complaining about other people and say, "See our own faults, Lord, I'm nothing. You please change my life." फिर हम लोग बोलेंगे कि परमेश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, मैं दूसरों के बारे में शिकायत नहीं करूंगा, परमेश्वर तू ही मुझे बदल. God, the Holy Spirit changes our eyes. और फिर पवित्र आत्मा जो है हमारे आंखों को बदलता है. And he says, "Those whom I love, I reprove and discipline. Be zealous, therefore, and repent." मैं जिन-जिन से प्रीति रखता हूँ, उन सब को उलाहना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सगर्म हो और मन फिरा. The Lord tells us, "See, because I love you, I am reproving you." तो परमेश्वर कहता है कि क्योंकि मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इसलिए मैं तुझे सुधार रहा हूँ. And disciplining you. मैं तुझे अनुशासन दे रहा हूँ. As we heard, parents, whatever parents they are. Good parents or bad, they will always discipline their own children. जैसे हमने सुना कि भले जब लोग माता-पिता को देखते हैं, भले लोग अच्छे हों या बुरे हों, लोग सभी लोग अपने बच्चों को ताड़ना या अनुशासन देते हैं. If you have responsibility over somebody, you will always discipline them. अगर तुम्हारे पास किसी के ऊपर जिम्मेदारी है, तो फिर तुम उनको अनुशासन दोगे. Suppose you have responsibility in your office, you are the in charge of the office. You have to discipline those people who are working under you. सोचो अगर तुम दफ्तर में हो और तुम्हारे पास जिम्मेदारी है लोगों के ऊपर, तो उनको तुम्हें कभी-कभी अनुशासन देना पड़ता है. If you are responsible in the church, you have to discipline people in the church. अगर तुम कलीसिया में तुम्हारे पास जिम्मेदारी है, तो तुम्हें वहाँ पे भी लोगों को अनुशासन देना पड़ता है. You love them and you want the best for them. क्योंकि तुम उनसे प्रेम रखते हो और उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज चाहते हो. They may feel that you are doing it because you don't like them and all that. हो सकता है कि उन्हें लगे कि तुम ये कर रहे हो क्योंकि तुम हमसे प्रेम नहीं रखते. Recently, I've just 2 days back, I had to discipline some 2 doctors in our hospital. मेरे हॉस्पिटल में 2 दिन पहले ही मुझे 2 डॉक्टरों को अनुशासन देना पड़ा. One doctor had gone out the line and then he was supposed to come on duty. एक डॉक्टर था जो चला गया था और उसको ड्यूटी पे वापस आना था. So he was the train was late. He was supposed to come in the afternoon. He didn't come in the afternoon. He went to sleep. तो ट्रेन लेट हो गया तो उसको दोपहर में आना था लेकिन वो आया नहीं, वो सो गया. We told him, "Where is he gone?" फिर हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ गया. Sir, I don't know where he's going. He's supposed to come, he's not gone. He's not come. दूसरे लोग बोल रहे थे, पता नहीं वो कहाँ पे गया है, आने तो वाला था लेकिन आया नहीं. Then we asked him, "Where is he?" He said, "No, I was feeling tired, so I went to sleep." फिर हमने उससे पूछा कि तुम आए नहीं, तो उसने बोला कि मुझे बहुत थकान महसूस कर रहा था, तो मैं सो गया. It's a very irresponsible thing. We all working in the hospital. You're getting 2,500 rupees per day for working, and you've gone whole day and gone to sleep. और ये बहुत ही गैर जिम्मेदारी की बात हो गई क्योंकि हम लोग सभी लोग अस्पताल में काम कर रहे हैं, हर रोज का हमें इतना पैसा मिल रहा है, फिर भी तुम जाके सो गए. I said, I rebuked him, and I said, "Now you have to cut half day from your leave. Half day you have to cut, take half day." तो मैंने उसको डांटा और उसको बोला कि आधे दिन का जो पगार है तुम्हें काट दूंगा. He said, "Very sorry, sorry, sorry." फिर उसने बोला मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. Yeah, so you should be sorry, but your half day is definitely going to go. हाँ, तुम्हें माफी तो मिलेगी लेकिन आधे दिन का पगार भी जाएगा. No, I will not do. Don't cut the half day. फिर वो बोलने लगा, नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, फिर से ये मत काटो. They don't want the half day, but and they're very sorry. उनको वो पगार कटना नहीं चाहिए भले वो लोग सॉरी बोलेंगे. They went with a sad face back. फिर एक छोटा मुंह करके वो चले गए. Then another doctor came. फिर दूसरा डॉक्टर आया. He was supposed to see the patients at the OPD. उसको ओपीडी में पेशेंट्स को देखना था. The timing up to 1 o'clock. और 1 बजे तक का समय था. He is the patient. There are only 4 or 5 people in the queue. और वहाँ पे 4 या 5 लोग ही थे क्यू में. He left the OPD and went away. और वो ओपीडी को ऐसे ही छोड़ के चला गया. Then the patients came at 1 o'clock. It is so hot in Bhusawal, it's 44 degrees. He is telling you come in the afternoon at 2 o'clock. और वहाँ पे जो patients थे वो लोग बाहर गर्मी में बैठे थे, 44 degree था वहाँ पे और उनको वो बोलने लगा कि तुम 2 बजे आ जाओ. He found that he went through the other room and went and started chit-chatting with another doctor. और फिर मालूम पड़ा अंत में कि वो एक दूसरे रूम में चला गया और वहाँ पे एक दूसरे डॉक्टर के साथ बातचीत करने लगा. Then I got very angry. I said, "These people are coming with all sort of pain and all. You make them wait. You have no sense of responsibility. I told you, you have to immediately go back to the casualty. 2 people are already gone. Go and see them first
and attend to your duty. फिर मेरे को बहुत ही गुस्सा आया उसके ऊपर, मैंने बोला कि ये लोग पहले से इतने दर्द में हैं, पहले उनका तबियत खराब है और तुम उनको और ऐसे रुका रहे हो, इतने तकलीफ दे रहे हो. फिर मैंने उसको बोला कि तुम वापस जाओ और वहाँ पे दो लोग पहले से ही हैं, उनका इलाज करो. And he asked for leave for this week during the holidays. He wants to go to the native place in Andhra Pradesh. और ये हफ्ते के लिए उसने छुट्टी मांगी थी क्योंकि उसको एक हफ्ते के लिए गाँव जाना था आंध्र प्रदेश में. So many people are giving, going on leave. He said, okay, ठीक है, I may give, may not give. I was considering that. और बहुत लोग पहले से ही छुट्टी पे थे तो मैंने उसको बोल के रखा था मैं दे सकता हूँ या नहीं दे सकता हूँ पता नहीं. Because he behaved like I said, your leave is regretted. और क्योंकि लेकिन उसने बुरा बर्ताव किया तो मैंने उसको बोला कि तुम्हारा जो छुट्टी है मैंने कैंसिल कर दिया. Then he began to come and start crying. You know, I got my grandmother is sick. My this program is there, that program. I will not do again. फिर वो आके रोने लगा, बोलने लगा कि मेरी दादी जो है वो बीमार है, ये प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है, ऐसा बोलने लगा. So I told him, see, I don't want to spoil your confidential report, but you just have to bear this. It is the most disgraceful thing that you have done to send poor patients away, and you just gone and chit-chatting in another place. It should be a He said, "No, I will not do again." फिर मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारा रिपोर्ट तो खराब नहीं करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम समझो कि तुमने क्या किया है, बहुत ही गलत चीज़ किया है कि तुमने इसे बहुत ही गरीब पेशेंट लोगों को जो पहले से ही बीमार है उनको तुमने और तकलीफ दिया है. फिर उसने बोला कि मैं ऐसा नहीं करूँगा. Most people don't want the punishment. तो ज़्यादातर जो लोग हैं उनको ताड़ना है, उनको नहीं चाहिए. They just want to feel sorry very superficially. उनको दंड नहीं चाहिए, उनको बस एक बाहरी रूप से एक माफी मांगनी है. But the Lord, because He loves us, He corrects us. लेकिन क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, वो हमें सुधारता है. I cannot correct people in other hospitals. मैं दूसरे अस्पताल के लोगों को नहीं सुधारता. I can correct people in our hospital. मैं मेरे अस्पताल के लोगों को ही सुधारता हूँ. And one of our office superintendent said it is good to correct one person, but other people also will learn to behave properly. और फिर किसी ने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तूने एक व्यक्ति को सुधारा, उसका उदाहरण देख के दूसरे लोग भी सुधर जाएंगे. The Lord also corrects us so that we may learn for ourselves and also for others. और परमेश्वर भी हमें सुधारता है ताकि हम लोग भी सीखे और दूसरे भी हमसे सीखे. And that it is important that when God corrects us, He loves us. और ये बहुत ही जरूरी है जानना कि जब भी परमेश्वर हमें सुधारता है तो वो हमसे प्रेम कर रहा है. God wants our behavior to change. और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जो बर्ताव है वो बदले. See, why did God tell the Laodiceans to change? और परमेश्वर ने क्यों लौदीकिया के कलीसिया के लोगों को बदलने बोला? Because they had stopped repenting. क्योंकि उन्होंने बंद कर दिया था पश्चाताप करना. The other churches, the Philadelphia and all, they were repenting every day. दूसरे जो कलीसिया के जो लोग थे वो लोग हर रोज पश्चाताप कर रहे थे. Whenever we stop repenting, we backslide. और जब भी हम लोग पश्चाताप करना बंद करते हैं हम लोग पीछे हटने शुरू करते हैं. We go into our worldly ways. हम लोग हमारे पुराने संसारी जीवन में वापस चले जाते हैं. And go into all sorts of sins. और हर like unbelievers have. और हर तरीके के पाप में चले जाते हैं, वही पाप जो अविश्वासी भी करते हैं. And the worst thing is we lose fellowship with Jesus Christ. और सबसे बुरी बात इसमें यह है कि हम लोग प्रभु यीशु के साथ संगति खो बैठते हैं. And Jesus said, "Behold, I stand at the door of your heart and knock." और फिर प्रभु यीशु कहते हैं कि सुन, मैं तेरे दिल के दरवाजे पे खड़े रहकर खटखटाता हूँ. Now, Jesus is supposed to be inside our house, but Jesus is outside the house. तो प्रभु यीशु को असल में तो हमारे घर के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वो दरवाजे के बाहर खटखटा रहा है. We have made our own plans and what is to be done. We don't want Jesus to come and just interfere with our plans. क्योंकि हम लोग ने खुद की योजनाएं बना के रखी है और हम लोग नहीं चाहते कि प्रभु यीशु आके हमारी योजनाओं को बदले. How to spend our money, what house to buy, what clothes to buy. We don't ask the Lord at all anything. कैसे हमें अपने पैसों का इस्तेमाल करना है, कौन सा घर खरीदना है, कौन से कपड़े खरीदना है, कोई भी मामले में हम लोग परमेश्वर से नहीं पूछते. When we are interested in only earthly things, then we don't want the Lord to interfere. जब भी हम लोग सिर्फ संसारी चीजों में दिलचस्पी रखेंगे तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि प्रभु यीशु मेरे मामले में पड़े. And we call Jesus Lord, Lord. फिर हम लोग बोलते हैं प्रभु तू प्रभु प्रभु है. And Jesus said, why you call me Lord, Lord when you're not doing what I'm telling you? फिर प्रभु कहता है कि तू मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहता है और वो नहीं करता जो मैं तुझे करने बोल रहा हूँ. You should call servant, servant. तू मुझे बोल नौकर नौकर. You think that I'm your servant. क्योंकि तू असल में सोचता है कि मैं तेरा नौकर हूँ. Sometimes we don't like to see Jesus as Lord. कई बार हमें प्रभु हम लोग प्रभु को प्रभु जैसे नहीं देखते. We don't like Jesus to be the boss of our lives. हम लोग नहीं चाहते कि प्रभु हमारे जीवन में मालिक बने. I am the boss of the life. हम लोग को खुद ही मालिक बनना है खुद के जीवन के ऊपर. One of my neighbors also was there in our, when we were staying young. He wrote in his house, I am the boss of this house. बहुत साल पहले जो हमारा एक पड़ोसी था उसने अपने घर के बाहर ऐसे चिपकाया था कि ये इस घर का मालिक मैं ही हूँ. And we used to laugh at that because he said he is the boss. Whatever says, whatever I do should happen in this house. हम लोग को बहुत ही हंसी आती थी क्योंकि उसका मतलब ये था कि मैं इस घर का मालिक हूँ, जो मैं कहूँगा वही इस घर में होगा. But Jesus, once we come to the Lord, Jesus is the boss of my life, boss of my home, boss of my work. Everything Jesus is my boss. लेकिन एक बार मैं प्रभु में आता हूँ उसके बाद मुझे ये स्वीकार करना है कि प्रभु मेरा मालिक है मेरे जीवन का घर का हर चीज का. And in spite of ignoring the Lord and doing what we like, Jesus is still knocking at my door. और इसके बावजूद कि हम लोगों ने प्रभु यीशु को इतने बार अनदेखा किया है फिर भी परमेश्वर हमारे दिल के द्वार पर खटखटा रहा है. Will your boss and my boss ever come knocking at your door? क्या कभी तुम्हारा या मेरा मालिक ऐसे आके खटखटाएगा?
He'll never. Kabhi nahi. Only Jesus so humble. Sirf Prabhu Yeshu swayam itne namra hai. And he'll just come and, I want to speak to you, I want to speak to you. Aur wo aake tumse bolega, main tumse kuch bolna chahta hu, kuch bolna chahta hu. And we can ignore. Aur hum log kai samay tak fir bhi andheka kar sakte hain. And the Lord said, if you choose to hear, can hear my voice, open the door. Aur fir Parmeshwar kehta hai ki yadi tum mere awaaz ko sunte ho, to fir ye darwazon ke khol do. So it is possible, it is that we have to hear the voice of God every day. To isliye zaruri hai ki hum log har roz Prabhu ki awaaz ko sune. And many times we don't hear the voice of Jesus at all. Aur kai baar hum log Prabhu ki awaaz ko sun hi nahi pate. Because we want to do our own thing. Kyunki hum log ne pehle se nirnay liya hai ki hum log wahi karenge jo hum chahte hain. So many mothers know that, then they call the child doesn't know, hear at all. Kitne baar mata ye janti hain ki unke bacche unki awaaz sunte hi nahi hain. They don't listen. Wo log sunte hi nahi hain. Then they start shouting, then they suddenly hear. Fir jab un logo ko chillana padta hai tabhi wo log sunte hain. Then they say, ha, they'll come running. Fir wo log bhagte hue aate hain. They will not respond, they are just busy doing their own thing. Warna wo log sunte hi nahi, wo log apne hi karya mein vyast hote hain. The Lord says, see, I am going to speak gently to you. To Prabhu bolta hai ki shuruaat mein main tumse dheeme se baat bolunga. Sometimes the Lord speaks loudly also. Aur kabhi kabhi Prabhu ko zor se bhi bolna padta hai. Sometimes he gives us sicknesses. Kabhi kabhi bimariyan deta hai. Accidents. Durghatnaye deta hai. Because he loves us. Kyunki wo humse prem karta hai. He doesn't want you to go to hell. Wo nahi chahta ki tum nark mein jao. He wants you to be saved. Wo chahta hai ki tum bach jao, uddhar pao. So God is always a gentleman. To Prabhu Yeshu ek deen vyakti hai. He speaks to us softly. Wo bahut hi dheeme se baat karta hai. Then he speaks to us, if we don't listen, he speaks to us through the meetings. Fir wo nahi sunenge to fir wo meeting ke zariye baat karta hai. One brother and sister will come and speak to us. Koi bhai ya behna ke humse baat karega. Or if he doesn't speak, sometimes he has to shout to us, something terrible happens to our lives. Aur fir usko bahut hi zor se chillana padta hai, jeevan mein koi badi cheez ho jati hai. At least then we will listen. Kam se kam tabhi to hum log fir sunte hain. We don't listen, what happens? We'll go to hell. Hum log agar fir bhi nahi sunenge to kya hoga? Hum log nark mein jayenge. As a believer, we can still people who can go to hell. Vishwasi hone ke bawajood bhi hum log ek din nark mein pahunch sakte hain. Read the revelation, it said, I will remove your name from the book of life. Prakashit vakya mein log padhte hain ki wahan pe likha hai ki tumhara naam jo hai jeevan ki kitab mein se main nikal dunga. Because now earlier they obedient, now they become disobedient. Kyunki pehle wo log ek samay pe aagyakari the lekin abhi aagyakari nahi hai. But Jesus said, I want to come and knock at the door of your heart. Aur abhi parmeshwar kehta hai ki main aake tumhare darwaze pe khatkhataata hu dil ke. I want to eat with you and you should eat with me. Main tumhare sath bhojan karna chahta hu aur tum bhi mere sath karo. What is the meaning of Jesus coming and eating with you in your house? Iska matlab kya hai ki Prabhu Yeshu aake hamare ghar mein hamare sath bhojan karte hain? What are you going to talk to him? Hamare sath wo kya baatein karenge? About the food? क्या तुम खाने के बारे में बात करोगे? About the type of vegetables and the fruits. क्या अच्छे अच्छे सब्जियां हैं, फल हैं? Or the plates or something like that. या प्लेट्स के बारे में बात करोगे? See, Jesus wants to talk about our own spiritual lives. प्रभु यीशु हमेशा हमसे हमारे आत्मिक जीवन के बारे में बात करते हैं. He will talk us about eternal things. वो हमारे साथ आत्मिक चीजों के बारे में बात करते हैं. How God can help you and how you can draw close to God. वो हमसे बात करते हैं कि कैसे हम लोग परमेश्वर के निकट आ सकते हैं. What was Jesus talking to the two disciples as they were going to from Jerusalem to Emmaus? यरूशलेम से इमाउस जाते समय वो जो दो प्रेरित थे, दो ये थे चेले थे, उनके साथ प्रभु यीशु क्या बातचीत कर रहे थे? They said, "Oh, we are going back so discouraged. Jesus was so good, did so miracles and all. Now he died. Now we are all going back, and we are very sad and we are going back." वो लोग बोल रहे थे प्रभु यीशु से कि प्रभु यीशु जो करके एक व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, चमत्कार करते थे, लेकिन इन लोगों ने उनको मार दिया. अभी हम लोग सब लोग निराश हो गए हैं. अभी हम लोग सभी लोग अपने गांव जा रहे हैं. You can read that. What are the first word Jesus told them? और सबसे पहला शब्द प्रभु यीशु ने उनसे क्या बोला? You foolish people. उन्होंने बोला तुम मूर्ख लोग. Then we can say, no, look. उल्लू के पट्टे. He was just called them. You are such foolish, stupid people. First word is that he told them a big rebuke to them. तो शुरुआती शब्द में ही उन्होंने उनको बहुत ही जोर से डांटा और बोला कि तुम एकदम मूर्ख लोग हो. Suppose somebody rebukes us like that, we will say, who are you to talk like that to me? अगर सोचो किसने हमसे इस तरीके से बात किया तो हम लोग उल्टा जवाब देंगे कि तू कौन होता है मुझसे बात करने के लिए. They were very humble people. लेकिन वो लोग बहुत ही नम्र हो चुके थे तब तक. They listened. उन्होंने सुना. They didn't know it was Jesus also. उनको पता भी नहीं था कि प्रभु यीशु बोल रहे हैं. They listened to that stranger who rebuked them. उन्होंने उस अनजान व्यक्ति की भी सुनी इसके बावजूद कि उसने उनको डांटा. And Jesus began to explain to them all the scriptures from the Old Testament to the New Testament and everything about himself. और फिर प्रभु यीशु उनको पुराने करार से नए करार में जितने भी शास्त्र थे सभी के चीजों के बारे में उनको समझाने लगे. When you come to the Lord, ask the Lord in your life, he will speak to you about all eternal things, he'll speak about the word of God, and you will become so enriched. The word of God will be very interesting to you. जब तुम प्रभु में आओगे, प्रभु से बोलोगे तुमसे बात करने के लिए, फिर परमेश्वर तुमसे बातें करेगा आत्मिक चीजों के ऊपर, उसके शब्दों के ऊपर, और प्रभु का जो शब्द है उसमें तुम बहुत ही धनी हो जाओगे. The Bible will not be a boring book. बाइबल जो है पकाओ किताब नहीं रहेगा. No, it will be so interesting to us. हमारे लिए एक दिलचस्प किताब बन जाएगा. As the song we said, the best book to read is the Bible. और जैसे हम लोग song best book
तो जैसे हम लोग वो गाते हैं कि वो सबसे बेहतरीन किताब जो है वो बाइबल बन जाएगा हमारे लिए. Oh, we don't have to watch YouTube around. Jesus is there, the best book. But this is the word of God. This is the words of Jesus Christ. I want to read it more and more. हमें YouTube या कोई संदेश देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. हम लोग बोलेंगे कि प्रभु यीशु मेरे साथ है जब मैं उसका किताब पढ़ूंगा और यही मेरे लिए बहुत ही दिलचस्प किताब बन जाएगा. The word of God gives us encouragement, nourishment. प्रभु यीशु के किताब से पुस्तक से मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और ये ताकत मिलेगा. It'll rebuke us. वो मुझे ताड़ना भी देगा. And when God rebukes us, we can get revived. और जब भी परमेश्वर हमें ताड़ना देता है तो हम लोग फिर से जी उठते हैं. We'll humble ourselves. हम लोग खुद को नम्र करते हैं. Repent. हम लोग पश्चाताप करते हैं. And they'll be filled with the Holy Spirit. फिर पवित्र आत्मा से भर जाते हैं. And they'll become more than overcomers. और फिर हम लोग विजेता से भी बढ़कर बन जाते हैं. So to become overcomers, we don't have to attend retreats and conferences. हमें विजेता बनने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस या मीटिंग में जाने की जरूरत नहीं. One brother sent one song. He said, "Down on my knees, I found my Savior." एक व्यक्ति ने भाई ने ये गीत भेजा था कि अपने घुटनों के बल मैंने अपने उद्धारक को पाया. You can kneel down anywhere and go to God anywhere and say you'll find Jesus once more. तुम लोग कहीं भी अपने घुटनों के बल जा सकते हो और परमेश्वर को वहीं पे पा सकते हो. You'll say, "Lord, I'm a sinner, please save me." तुम्हें बोलना कि परमेश्वर मैं एक पापी हूँ, तू मुझे बचा. The prodigal son found God in his own pigsty. तो ये जो गुमराह पुत्र था उस सुअरों के बीच ही उसने परमेश्वर को पाया. You can go anywhere, God is very close to you. तुम जहां कहीं भी जाओ परमेश्वर तुम्हारे निकट ही है. Come the repentant heart and the Holy Spirit, the atmosphere of the Holy Spirit will be there with you. एक पश्चाताप का मन लेकर आओ और पवित्र आत्मा वहाँ पे तुम्हारे साथ रहेगा. And God will have fellowship with us. और परमेश्वर फिर हमारे साथ संगति करेगा. And they said, "I will make you an overcomer." और फिर वो बोलेगा कि मैं तुम्हें एक विजेता बनाऊंगा. Overcome every sin that is in your life. हर एक पाप के ऊपर तुम्हें एक विजेता बनाऊंगा. Many times people say, "नहीं होगा, this is my anger. No, not possible for me to overcome anger." बहुत बार लोग कहते हैं कि नहीं, गुस्से के ऊपर तो मैं कभी जय पा ही नहीं सकता. Not possible to overcome pornography. संभव ही नहीं है कि मैं अश्लील चित्र देखने के ऊपर विजेता पा सकता हूं. Love worldly things is not possible to overcome. संभव ही नहीं है कि दुनिया की चीजों के ऊपर जो प्रेम है उसके ऊपर मैं जय पा सकता हूं. How can I stop telling lies? कैसे मैं संभव है कि मैं झूठ बोलना बंद कर सकता हूं? And because they don't believe, they don't get the victory. और क्योंकि वो लोग विश्वास नहीं करते इसलिए वो लोग जय नहीं पाते. That is why God has given us the Holy Spirit. और इसलिए परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है. And that's why Jesus said, "Be enthusiastic and repent." और इसलिए परमेश्वर कहता है कि तुम उत्साहित रहो और पश्चाताप करो. What does it mean to be enthusiastic? You have to be zealous and repent. उत्साहित रहने का मतलब क्या है? जोश के साथ पश्चाताप करो. These things are wrong in our life. I will throw it out. ये चीजें मेरे जीवन में गलत है, इसको मैं बाहर फेंकता हूं अभी. These things are not good for me. ये चीज मेरे लिए अच्छे नहीं है. Whatever, let anybody say anything, I will not care. भले लोग मेरे बारे में कुछ भी कहें, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना है. I am going to clear it up immediately. मैं उसको अभी-अभी साफ कर दूंगा. Zacchaeus was a man who came. He was such a crook. Zacchaeus करके एक व्यक्ति था जो एक नंबर का चोर था. He nobody liked him. और कोई भी उसको पसंद नहीं करता था. He cheated everybody. क्योंकि उसने सभी को धोखा दिया था. But Jesus knew he had a very troubled heart. लेकिन परमेश्वर जानता था कि उसके मन में वो बहुत ही बोझित था. And then Jesus looked up on the tree and because he was so short, he wanted to see who Jesus was. और क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही कद में छोटा था, इसलिए वो पेड़ के ऊपर चढ़ा था प्रभु यीशु को देखने के लिए. And Jesus told Zacchaeus. He told Zacchaeus. He knew Zacchaeus' name. Please come down. I'm coming to your house today to eat with you. और प्रभु यीशु उसको अपने नाम उसके नाम से जानते थे. उन्होंने बोला, ज़ाकियुस तुम नीचे उतरो, आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा भोजन के लिए. ज़ाकियुस said, "I am such a big sinner. I don't only not sin only in my life." और ज़ाकियुस ने बोला कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने तो बस पापी किया है जीवन में. Sir, whatever I have cheated something and four times I'll give it back and I don't know some people I've cheated people I'll return to give to the poor. और उसने फिर बहुत पछताप किया, बोला कि जिनको भी मैंने धोखा दिया है उनको मैं चार गुना लौटाऊंगा और जिनको मुझे पता नहीं मैं गरीबों को दे दूंगा. And Jesus said, "Yes, today salvation has come to this house." और फिर प्रभु यीशु ने कहा कि आज उद्धार आया है इस घर में. If you and I repent, then salvation comes to my life and to my house. अगर तुम और मैं पश्चाताप करेंगे तो उद्धार आएगा मेरे जीवन में फिर मेरे घर में. We have to be radical about it. हमें इस मामले में एकदम जोशीला रहना है. We are not just saying, "Okay, I'll do it tomorrow. I'll do that. These things are not good for me. I will not go there at all." हमें ऐसा नहीं कहना है कि मैं ये कल ठीक करूंगा. नहीं, ये मेरे लिए अच्छा नहीं है. आज के बाद ये बंद. If God doesn't want to be go there, I will not go. अगर परमेश्वर नहीं चाहता मैं किधर जाऊं तो मैं वहीं पे नहीं जाऊंगा. If God doesn't want this, doesn't like this, I will not do it. I'll throw it out. अगर परमेश्वर ये चीज से खुश नहीं है, मैं इसे बाहर फेंक दूंगा. David Wilkerson, he was watching the TV a lot. डेविड विल्कर्सन करके एक भाई थे जो अपने युवक के दिनों में टीवी बहुत देखते थे. He was not watching bad programs and serials or any such thing. वो लोग वो गलत चीजें नहीं देखते थे लेकिन टीवी देखते थे.
he used to watch the news. वो न्यूज़ वगैरह देखते थे. But because of that, he could not spend much time with the Lord in the Word of God. लेकिन उसके वजह से वो परमेश्वर के वचन में ज़्यादा समय नहीं बिता पाते थे. So what he did, he just disposed of the whole TV. तो उन्होंने क्या किया, एक दिन वो जो टीवी है उसी को निकाल दिया. So that time he could spend with the Word of God. फिर वो जो समय था वो परमेश्वर के वचन में बिताने लगे. And because of that, he became a mighty preacher and an apostle of the Lord. और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने उनको एक बहुत ही महान प्रचारक और एक प्रेरित बनाया. If we don't clean things out of our own life, it will only affect us. अगर हम लोग हमारे जीवन को साफ नहीं करेंगे इन चीजों से तो हमें नुकसान है. We should be spiritually very sick. हम लोग आत्मिक रीति से बीमार हो जाएंगे. And don't blame this one and that one, blame yourself only. और किसी के ऊपर फिर तुम दोष मत लगाओ, खुद के ऊपर ही दोष लगाओ. And all these things which he think are very good, it is going to destroy us. और ये जो चीजें हैं जो हम लोग सोचते हैं कि ठीक है अच्छा है वो ही हमारा नाश करेंगे. The way we spend our time with our relatives and say, Lord, you should always be first. Jesus first, wife second, children second, parents second, all last, only the Lord Jesus first in my own life. और फिर मैं बोलना है कि परमेश्वर बाकी सारे चीजें बाद में, पहला तू स्थान, मेरा परिवार, बाकी सब चीजें बाद में आएंगी, तुझे पहला स्थान मुझे देना है. And for those who do this, the Lord will be very dear to them. और जो लोग ऐसा करेंगे परमेश्वर उनके लिए बहुत ही प्रिय हो जाएंगे. And God will make them overcomers. और परमेश्वर उन लोगों को विजेता बनाएंगे. And one day Jesus will say, well done to them. और फिर एक दिन प्रभु यीशु उनसे कहेगा बहुत ही बढ़िया किया. And the same Jesus who was so coming knocking on the door of our hearts, one day will be our judge. और एक दिन यही परमेश्वर जो आज हमारे दिल के दरवाजे पे खटखटा रहा है, एक दिन न्यायाधीश रहेगा. How much I knocked on the door, how much I told you all to do, what you never listened to me at all. उस दिन वो बोलेगा कितने बार मैंने तुम्हारे दिल पे खटखटाया, कितने बार तुम्हें बोला लेकिन तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं. You only interested in being money. तुम बस तुम्हारा ध्यान था कि कैसे तुम पैसे बनाओ. And enjoying yourself like other believers. या कैसे तुम मजे लो इस दुनिया में जैसे दूसरे विश्वासी ले रहे थे. You never wanted the fear of God. लेकिन तुमने कभी भी परमेश्वर को भय को नहीं खोजा. Now I have to judge you. आज लेकिन मुझे तुम्हारे ऊपर न्याय करना है. And then you can say, sorry Lord, I don't know. But say, now there's no time. और वहाँ पे फिर तुम बोलोगे कि परमेश्वर मुझे माफ कर. फिर वो बोलेगा ये समय चला गया है. Now is the appointed time. यही अभी नियुक्त किया गया समय है. Everybody has got one short life to live. सभी के पास एक छोटा जीवन दिया गया है जीने के लिए. And the Lord told me today is the last day of my life. और अगर सोचो परमेश्वर मुझे बोलेगा कि तुम्हारा ये जीवन का अंत का दिन है. What is the day today? आज का दिन क्या है? 29th April is not going to come back for you and me at all. 29 April 2018 तुम्हारे और मेरे लिए फिर से नहीं आएगा. Think that today is the last day of my life. सोचो ऐसा कि आज तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन है. I can get the best things after today. I can get best things for today. तो मैं फिर कैसे इस दिन का इस्तेमाल करूंगा सबसे उत्तम चीजों के लिए? Lord, I want to live for you, Lord, today. कैसे मैं तेरे लिए जी सकता हूँ प्रभु? Anything that is wrong in my life, Lord, I want to clean it up. जो कुछ मेरे जीवन में खराब है परमेश्वर उसको मैं साफ कर देता हूँ. If I've not forgiven anybody, I'll forgive people, Lord. अगर मैंने किसी को माफ नहीं किया है तो आज मैं माफ करता हूँ. If I've taken money from people, I want to return it to them. अगर मैंने पैसा लिया है तो पैसा वापस करता हूँ. If I'm watching bad programs, I will stop it. अगर मैं गलत चीजें देख रहा हूँ उसको मैं बंद करता हूँ. Stop the internet. इंटरनेट ही बंद करता हूँ. Stop the cable TV. केबल टीवी बंद करता हूँ. Do that, be unless you be radical, you will never change. जब तक तुम पूरी तरीके से जोश के साथ इसके पीछे नहीं पड़ोगे तब तक तुम नहीं बदलोगे. That is why our spiritual lives don't progress. और इसलिए हमारा आत्मिक जीवन जो है वो प्रगति नहीं करता. I told you an example I had in the hospital. मैंने अस्पताल का कैसे एक उदाहरण दिया. One lady was having pain in the stomach. एक स्त्री के पेट में दर्द था. Pain in the stomach, and then we did all the endoscopy, all the tests. They said there is some swelling in the stomach. You have to we're giving you medicines. फिर endoscopy वगैरह किया, फिर बोला कि पेट में एक सूज गया है, तो उसके लिए दवाई ले लो. Then I was wondering what is the cause of this. और फिर हम लोग सभी लोग सोच रहे थे कि इसका कारण क्या है. Lady, no. और वो स्त्री थी. Men they drink. जो पुरुष रहते हैं वो ज्यादातर पीते हैं. Because they get swelling in the stomach. और इसकी वजह से पेट उनका सूज जाता है. But still I asked, do you drink? फिर भी मैंने स्त्री से पूछा कि क्या तुम पीती हो? Ladies, you ask them, you drink. तो कुछ स्त्रियां कभी कभी गुस्से में भी आ सकती है अगर तुम ऐसा प्रश्न उनसे पूछोगे. No, I don't drink. तो उसने बोला कि नहीं मैं पीती नहीं हूँ. Do you smoke? क्या तुम धूम्रपान करते हो? Some ladies sometimes smoke also. कुछ स्त्रियां धूम्रपान भी करती हैं. So anytime you take मेश्री या टोबैको. फिर मैंने पूछा कि क्या तुम तंबाकू खाती हो? हाँ, that I take. फिर उसने बोला कि हाँ वो मैं खाती हूँ. That I take every day, 2-3 times a day. वो तो मैं दिन में 2-3 बार लेती हूँ. So where is it? Do you have tobacco here? क्या तुम्हारे पास यहाँ पे भी तंबाकू है? हाँ, she said. हाँ, उसने बोला. Brought out the cupboard, she brought full Bournvita tin full of tobacco. और कबर्ट में से उसने बॉर्नविटा डिब्बा भरकर तंबाकू निकाला बाहर. Oh, I said, this is the cause of all your stomach pain. फिर मुझे पता चला कि हाँ, तुम्हारे पेट के दर्द का जो असली कारण यही है. They said, yes, that is the cause only. That is no other cause. फिर हम लोगों ने बोला कि और कोई कारण नहीं है, यही कारण है. Then she said, oh, then I said, you must stop it then. फिर मैंने बोला कि इसको तो मैं बंद करना है. And I'll stop it, she said. उसने बोला मैं बंद करती हूँ. When will you stop it? When? कभी बंद करना है? Stop it today only. आज से ही बंद करना है. So then we'll have a nice big program, we said.
फिर हमने बोला एक अच्छा सा एक प्रोग्राम का आयोजन करेंगे. All these things and throw it in the dustbin. ये सारे चीजों को लो और कचरे डिब्बे में डालो. Then we called all the sisters and everybody together. चलो चलो, we'll have this program. Now take all this tobacco and pour it in the dustbin. और सारे जो नर्स लोग हैं उनको इकट्ठा किया. फिर हमने बोला एक प्रोग्राम मनाते हैं, ये जो तंबाकू है इसको लेते हैं और कचरे के डिब्बे में डालते हैं. So she said okay. फिर उसने बोला कि ठीक है. All of us gathered around and she started pouring the tobacco. फिर हम लोग सभी लोग इकट्ठा हो गए और हम सभी के सामने वो कचरे के डिब्बे में खाली करने लगी. And there was little bit only. और फिर उसमें अंत में थोड़ा बाकी रह गया. So this I'll keep. फिर उसने बोला कि ये मैं रख दूंगी. अरे सर, why you want to keep it for what? फिर मैंने बोला ये तुम्हें क्यों रखना है? This is only, this is like poison. Why you want to keep it? ये थोड़ा भी है लेकिन वो जहर के समान है. No, I want to keep little bit. फिर उसने बोला कि नहीं, मैं थोड़ा रखना चाहती हूँ. See, she was not willing to give up. वो तैयार नहीं थी छोड़ने के लिए. Because that little bit will come back again and she'll go back to the same bad habit. क्योंकि वो थोड़ा वापस से आ जाएगा और फिर से वो आदत में उलझ जाएगी. She made a big show that she's throwing most of it, but she really loved it. उसने दिखावा तो किया कि वो सब कुछ फेंक रही थी, लेकिन असल में वो फिर भी प्रेम करती थी. Unless we throw it completely out, we'll never get deliverance from that sickness. तो जब तक हम लोग पूरी तरीके से एक पाप को बाहर नहीं फेंकते, हम लोग तब तक उससे छुटकारा नहीं पाएंगे. You and I God have so many bondages in our own life. तुम्हारे पास और मेरे पास जीवन में कितने सारे बंधने हैं. The Holy Spirit will show you this is the problem. पवित्र आत्मा तुम्हें दिखाएगा कि ये समस्या है. And the Lord said, if you hear my voice, open the door. और परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरी आवाज को सुनते हो तो द्वार को खोलो. And get it out. और ये चीज को बाहर फेंको. And then I can speak to you. और फिर मैं तुमसे बात कर सकता हूँ. I'd rather have Jesus, have fellowship with Jesus than anything else. मैं प्रभु यीशु के साथ संगति चाहूंगा इसके बजाय और कुछ. Many times we are not willing to give it up. कई बार हम लोग तैयार नहीं होते उसको छोड़ने के लिए. Sometimes the useless things. कभी-कभी एकदम बेकार की चीजें भी. Useless time we are spending on useless things. बेकार समय जो हम लोग बेकार की चीजों पे बिताते हैं. And the Lord tells us, I'm not going to force you. I'm just going to speak to you. परमेश्वर कहता है कि मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा, मैं बस तुमसे बोलूंगा. One day the Lord will say, I spoke to you. और फिर अंत के दिन में परमेश्वर बोलेगा कि मैंने तुमसे बोला. The Bible says, one day if we don't listen, we shall be so ashamed. और बाइबल कहता है कि यदि हम लोग आज नहीं सुनेंगे तो अंत के दिन में हम लोग शर्मिंदित रहेंगे. It's all up to you and me. तो ये तुम्हारे और मेरे ऊपर ही है. It's not upon the fellowship that we go to. ये कलेशा के ऊपर निर्भर नहीं है. It's not upon the we have preaching every day, good preaching. ये अच्छे प्रचार के ऊपर भी निर्भर नहीं है. The Holy Spirit can speak to anybody who's obedient. पवित्र आत्मा कोई भी व्यक्ति की ओर बात कर सकता है जो तैयार है सुनने के लिए. Jesus can come close to anybody who's obedient. प्रभु यीशु कोई भी व्यक्ति के पास आ सकता है जो तैयार है आज्ञाकारी बनने के लिए. We are willing to give up all the bad things. हमें तैयार रहना है गलत चीजों को छोड़ने के लिए. And be obedient to the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की ओर आज्ञाकारी रहना है. And God can make us the most spiritual people ever. और परमेश्वर फिर हमें इस दुनिया में सबसे आत्मिक व्यक्ति भी बना सकता है. The overcomers. हमें विजेता बना सकता है. God can make us so good. परमेश्वर हमें बहुत ही अच्छा बना सकता है. We may be completely uneducated. हम लोग हो सकते हैं बिल्कुल अनपढ़ गवार हैं. But you will have such a good knowledge of Jesus Christ that you may be better than all your teachers. लेकिन हो सकता है कि हमारे पास प्रभु यीशु का ज्ञान इतना अच्छा आ जाए कि हम लोग हमारे सारे शिक्षकों के भी आगे चले जाएं। Once when I first came to the Lord, you know, I was a medical student. जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया था तो मैं एक विद्यार्थी था डॉक्टर के पढ़ाई में. In our church we had a person who was only starting class 7. तो मेरे क्लास में एक व्यक्ति था जो सिर्फ मेरे कलेशा में एक व्यक्ति था जो सिर्फ सातवीं कक्षा तक पढ़ा था. And when he used to come and share the word of God, और वो व्यक्ति आके यहाँ पे परमेश्वर के वचन के ऊपर बोलता था. The book of Jeremiah and all, and he began to share so boldly and so nicely. और वो यरमिया और दूसरे किताबों को खोलता था और उसमें से बहुत ही साहसी होकर वो प्रचार करता था. And so confidently. और बहुत ही निश्चित रूप से प्रचार करता था. And know the Bible verses so well. और सारे बाइबल के जो वर्सेस थे उससे बहुत ही वाकिफ था. And I used to think this fellow has hardly gone to school and anything, hardly not even passed matric. And doesn't know to speak English properly, and I am such a clever person, I cannot speak like that. और फिर मैं सोचने लगा कि ये जो व्यक्ति है इसने तो 10 भी पास नहीं किया है, ना वो अंग्रेजी जानता है, और यहाँ पे मैं इतना होशियार हूँ लेकिन फिर भी मैं उसके जैसे प्रभु के वचन के ऊपर नहीं बोल पाता. God said that person was more obedient and more humble, that's why God spoke to him. और फिर परमेश्वर ने बोला कि वो जो व्यक्ति था वो और नम्र है और आज्ञाकारी है, इसलिए परमेश्वर उससे बातें करता है. If you are humble and obedient to God, God will just speak to you. Jesus is very close to you. अगर तुम नम्र रहोगे और परमेश्वर की ओर आज्ञाकारी रहोगे तो परमेश्वर तुमसे बातें करेगा. God will tell you all his secrets. परमेश्वर तुमसे अपने सारे गुप्त के चीजें बोलेगा. No respect of anybody. He is very close to me. He will tell you all God's secrets will be revealed to those who fear him. वो बिल्कुल भेदभाव नहीं रखता. जो कोई भी उसका भय रखता है उनकी ओर वो अपने सारे गुप्त चीजों को खुलासा करता है. That is why God had such hope even for the church at Laodicea. और इसलिए परमेश्वर के पास लौदीकिया के कलीसिया की ओर भी इतना महान आशा था.
And even though they're the worst church, God had hope that they will repent and become good in their own life. और इसके बावजूद कि वो लोग इतने खराब कलीसिया थे, परमेश्वर ने उम्मीद रखा था कि वो लोग पश्चाताप करें और फिर से परमेश्वर के ओर मुड़े. Same thing with the Corinthian church. Corinthian church was such a terrible church. They were so gifted in miracles and healings and tongues and everything, but they were so bad. The church situation was extremely bad. और हम लोग देखते हैं कि कोरिन्थियों के कलीसिया में भी हालत इतना खराब था. भले वो लोग में बहुत सारी क्षमताएं थी, बहुत सारे वरदाने थी, लेकिन आत्मिक रूप से उनका हालत एकदम खराब था. They were so fighting and they quarreling and immorality and what not was there, such bad things were there. Unke beech jhagda chal raha tha aur ashleeltaye thi, sare prakar ke galat cheeze thi. The apostle Paul came and really corrected them very severely. Aur phir prerit Paulus aaya wahan par aur bahut hi badhiya, bahut hi zor se usne unko daata aur taadna diya. And but in 2 Corinthians read in chapter 7 how they humbled themselves. They were so zealous to clear up everything. They became very spiritual people after that. और दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 7 में हम लोग देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने आप को नम्र किया और एकदम से तैयार हो गए अपने आप को शुद्ध करने के लिए और सब चीज ठीक करने के लिए. They were so thankful to God. और वो लोग परमेश्वर की ओर बहुत ही धन्यवादित थे. They were not grumbling about the apostle Paul. वो लोग प्रेरित पौलुस के खिलाफ कुड़कुड़ा नहीं रहे. Only they were saying Paul is like this, Apollos is like that, this one's fault, that one's fault. They were finding faults of everybody. पहले तो वो लोग हर एक व्यक्ति में कमियां निकालते थे, ये व्यक्ति वैसा है, वो व्यक्ति वैसा है, इसी में वो लोग मग्न थे. Except their own fault. खुद के कमियों को छोड़कर बाकी सबकी कमियों में मग्न थे. That's what happens to people whenever people find fault finding with other people, they don't to find fault with themselves. Aur yahi hota hai jab kabhi bhi ek vyakti dusre vyaktiyon mein kamiyan nikalne lagta hai, khud ki kamiyon ko wo nahi dekh pata hai. And that's why they were gone into a terrible worse condition. Aur iski wajah se unka halat ekdam badtar ho gaya tha. But the apostle brought them back to their own senses. Lekin fir prerit Paulus ne unke akal ko unke thikane laya. And then he could speak something good to them. Aur fir wo unko kuch achhi cheeze bol paya. Repentance is the key, brothers and sisters. To pashchatap hi hai rahasya mere bhaiyo bahno. Your life and my life. Tumhare jeevan mein aur mere jeevan mein. Every day I have to repent. Obey God. हर रोज मुझे पश्चाताप करके परमेश्वर की ओर आगे कार्य बनना है. Song, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. जैसे वो गीत हमने गाया कि भरोसा करके प्रभु यीशु का आज्ञा का पालन करो और कोई तरीका नहीं है उसमें खुश रहने का. ट्रस्ट एंड ओबे गॉड. भरोसा रखो और उसकी ओर आज्ञाकारी बनो. Get things set right in your own life. अपने जीवन में सब चीज ठीक करो. The lot of things set to be set right. बहुत सारी चीजें हैं अभी भी जिसको ठीक होना है. We can just set it under the carpet. हम लोग उसको बाजू में रख सकते हैं. And we can go for ministry. और फिर हम लोग सेवकाई में जा सकते हैं. And we can get more and more knowledge everywhere. और सब जगह पे जाके और ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं. But those bad habits will keep on increasing and increasing in our own life. और वो जो गलत आदतें हैं वो और बढ़ते जाएगा हमारे जीवन में. God is so faithful, he points it out. लेकिन परमेश्वर विश्वसनीय है, वो हमें दिखाता है वो चीजें. Say, today is the day of salvation, we can repent from it. बोलता है कि आज का दिन है उद्धार का दिन, आज तुम पश्चाताप करो. And these are times of grace and God will help us with the grace of God. और ये है समय अनुग्रह का और परमेश्वर हमें मदद करेगा उसके अनुग्रह के द्वारा. Let us pray. प्रार्थना करेंगे. Heavenly Father, we pray that all fill us with the Holy Spirit even today. पवित्र आत्मा से हमें भर परमेश्वर आज हम प्रार्थना करते हैं. Point out the things that are wrong in our own life. हमारे जीवन में जो कुछ भी गलत है वो तुम्हें दिखा. Thank you Lord and help us Lord to set all these things right one by one. मदद कर परमेश्वर कि हम लोग हर एक चीज को एक एक करके ठीक करें. Thank you Lord you show us few things in our own life. धन्यवाद परमेश्वर. धन्यवाद परमेश्वर तूने पहले से ही दिखाया है काफी चीजें जो हमें ठीक करनी है. Thank you Lord when you set it right you will fill us with the Holy Spirit. धन्यवाद परमेश्वर कि जब हम लोग उसको ठीक करेंगे तू हमें पवित्र आत्मा से भरेगा. And we shall be have fellowship with you Lord. और फिर हम लोग तेरे साथ संगति में रहेंगे. Make our lives to be a blessing to you and to one another. मदद कर कि हमारा जीवन तेरी और दूसरों की और एक आशीष का सूत्र बने. जीसस नेम. प्रभु यीशु के नाम में. आमेन.